तो इसने मेरे को इसी टायर के साथ जो माइलेज दी थी वो दी थी 40 की, मतलब अल्टीमेट लुक आता है इसका। तेरे के हिल नहीं रही थी बिल्कुल, स्ट्रेट जैसे स्कूटी नॉर्मल चलती है ऐसी चल रही थी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, एंड यू वाचिंग दीप्स क्रिएशन, एंड आई एम दीपांशु दीप। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि इसमें हुई थी कुछ मॉडिफिकेशंस, जिसकी हमारी सीरीज चल रही है, पार्ट टू पार्ट आते जा रहे हैं, और ये पार्ट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लेट, और इसका रिस्पांस भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसका रहा है अभी तक का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आई नहीं है। और लुक देखो यार, स्कूटी का क्या लुक आ रहा है, मतलब अल्टीमेट लुक आता है इसका। ओह माय गॉड, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। होप सो गाइस, सबको पता ही होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। वीडियो होने वाली है इसके टायर के ऊपर, जो तक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, और ये टायर आता है TVS के एंटॉक के अंदर, जो मैंने इंस्टॉल करा दिया है जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर में ये टायर लगने के बाद किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स रहा, और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई अगर हुई तो, और क्या क्या नहीं हुई है, और जो चीज़ सोची थी वैसा कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इसको अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। इसको लगवाए हुए मेरे को लग रहा है 6 to 8 months शायद हो चुके हैं, और मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी जो अब आप नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो जल्दी चलते वीडियो की ओर, और देखते हैं कहाँ से इंस्टॉल हुआ था और किस तरह से इंस्टॉल हुआ था, फिर मैं बताता हूँ इसका रिस्पॉन्स और क्या आपके लिए इंस्टॉल करवाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा। आज मैं आया हूँ व्हील गैलरी पर, ये करोल बाग में आपको मिलेगी। ये जो रोड आ रहा है ये नियर खालसा कॉलेज से ये रोड आ रहा है, और जो आनप्रत की साइड जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर ये शॉप रहने वाली है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने काम को स्टार्ट, जो अपने टायर को चेंज करवाना है। सो गाइस, आज मैं आया हूँ अपने टायर स्कूटी में ये टायर लगवाने, जो है एंटॉक का टायर है, और इसकी कंडीशन कुछ आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की कंडीशन है। ये मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया है, लेट्स सी सब कैसा रहता है। मैंने न्यू टायर इसीलिए परचेज नहीं किया कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो अब इसको लगाते हैं और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। सो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टायर जो होने वाला है, ये टायर हमारा होने वाला है TVS का, और ये टायर एंटॉक का टायर है, और मैं इसको दिखाता हूँ आपको 110/80/12, क्योंकि 12 इंच का टायर लगता है, जो जुपिटर में भी सेम लगता है। जुपिटर का जो टायर साइज होता है वो होता है 90-90-12, मतलब 90-90-12, और ये है 110-80-12, तो ये उससे ज़्यादा ब्रॉड है। आप देख सकते हो जिस तरह से कितना ब्रॉड टायर है, और इसमें जो भी टायर लगा हुआ है वो उसी तरीके का टायर। ये इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जितना ये टायर कुछ, इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स, और इसके आने वाली वीडियोस में ये पता लगेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, और ये TVS में लगाना मतलब आपके लिए वर्थ है या नहीं है, मतलब काम करता है या नहीं करता है, किस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लगवाते हैं टायर को। तो भाई, इस टायर लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये मेरा पुराना वाला टायर इसमें से उतर रहा है जो 90-90-12 का है, और इसमें अब लगेगा 110/80/12 जो एंटॉक का टायर होता है वही। तो देखते हैं सब कुछ कैसा है। भाई, इस टायर लगने के बाद कुछ अब ऐसा लग रहा है, देखो पहले से कितना ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, और अब गाड़ी शायद कर लेने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो देखते हैं सब कैसा रहता है, काम स्टार्ट है, हम काम हो रहा है। सो गाइस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक बार
सो गाइज, अभी आपने देखा कि किस तरीके से टायर इंस्टॉल हुआ था और क्या क्या चीज़ स्कूटी के अंदर हुई थी। तो अब मैं बताया तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके था, और क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसको यूज़ कर लिया 6 to 8 months हो चुके हैं इसको यूज़ करते करते, तो इसका रिस्पॉन्स जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और एंटॉक का टायर जुपिटर में इंस्टॉल हो गया है, तो मतलब यार लुक तो अल्टीमेट आनी आनी थी। तो लुक अल्टीमेट तो आ गई, पर इसका रिस्पॉन्स कैसे रहा, क्योंकि टायर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, अपसाइज हो गया है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही किसी सस्पेंशन में या किसी और तरीके की, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रही नहीं है यार। और मतलब इसमें बस ऐसा हुआ था कि मैं इसे मसूरी ट्रिप भी कराया हूँ, तो मसूरी ट्रिप में एक खड्डे में ये टायर बहुत तेज़ लग गया था, तो तेज़ तो लग गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मसूरी ट्रिप भी कम्प्लीट हो गई, मैं वापस भी आ गया। बट वापस आने के बाद मैंने एक बार ही फिलिंग कराई थी, इसकी एयर फिलिंग जो हुई थी वो मसूरी में हुई थी, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं वापस भी आ गया। उसके बाद यहाँ आने के बाद इसके जब से ही काफ़ी ज़्यादा टायर की प्रॉब्लम आने लग गई, कि मतलब वापस आने के बाद प्रॉब्लम फेस हुई थी कि इसकी हवा बार बार लीक हो रही थी। फिर मैंने इसका अलॉय जो था वो चेक कराया, तो अलॉय हल्का सा बैंड हो गया था, उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया तो वो ठीक हो गया, उसको ठोक वोक के ठीक कर दिया उन्होंने, और ये वहीं से ठीक हुआ था जहाँ से इंस्टॉल हुआ था। मतलब अंकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अगर आप नियर बाय कहीं रहते हैं तो अंकल के पास ज़रूर आओ, क्योंकि मैं नियर बाय रहता हूँ तो मैंने अंकल को सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सही काम करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या आई थी। मैंने टायर लगाया था सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड टायर की कॉस्टिंग मेरे को 400 to 500 के बीच में टायर मिल गया था, 100 to 150 rupees मेरे को फिटिंग के चार्जेस देने पड़े थे। और इसके अंदर मतलब ये फिटिंग होने के बाद टायर की जो अब बात कर लेते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा, तो चलाने में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अपग्रेड हुआ, मतलब बहुत अच्छा हुआ। अब अच्छा किस तरीके से हुआ कि ये ना रोड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चिपक करके चलता है, कि जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि स्कूटी के टायर जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, तो इसका टायर जो है ये टायर लगाने के बाद ऐसी ग्रिप बन गई कि स्कूटी एकदम मतलब जम के चलने लगी रोड से, और अब इतनी ज़्यादा अच्छे चल रही है कि पहले ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि मुझे डर लगता था कि अगर कभी मैंने हाथ छोड़ के देखता था तो। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम से स्कूटी और बाइक चलाई हुई है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को बाइक से मतलब चलाने के लिए। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी ड्राइविंग का, तो आप लोग ऐसी हरकतें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसको चेक करा कि मैंने चलती स्कूटी पे हाथ छोड़ के इसको चला के देखा, तो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था कि खड्डे वगैरह में भी स्कूटी अगर जा रही थी ना तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तरीके हिल नहीं रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे स्कूटी नॉर्मल चलती है ऐसे ही चल रही थी। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा रहा कि मतलब टायर को लगाना तो वर्थ था फिर, तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस टायर को अगर आप चाहते हैं तो अपनी स्कूटी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके जो प्रोस है तो कॉन्स भी होते हैं, तो कॉन्स इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको सर्विस इंटरवल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी पावर लेता है, हैवी टायर है, थोड़ा बड़ा टायर हो गया है तो थोड़ी स्कूटी और ज़्यादा पावर ले रही है, तो सर्विस इंटरवल में थोड़ा सा मतलब जल्दी करा ले तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ का थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को ये हुई है कि माइलेज इसमें थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि एंटॉक में जैसे कि हम जानते हैं तो 25 to 30 की एवरेज मिलती है, जितना मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू सुना है, क्योंकि मैंने एंटॉक कभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो इसलिए मेरे को उसका माइलेज पता नहीं है। तो बट जो एंटॉक का रिस्पॉन्स है वो इतना ही है कि मतलब 25 to 30 का। तो इसको मैंने जब मसूरी राइड पर ले गया था तो इसने मेरे को इसी टायर के साथ जो माइलेज दी थी वो दी थी 40 की, हाईवे पे थी, 40 की माइलेज गई और आई, स्कूटी एकदम ठीक चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरी चीज़ ये हुआ कि इसके अंदर की सिटी के अंदर इसकी जो माइलेज आती है वो 32-35 हो गई है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शौक करना है तो कहीं ना कहीं तो मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि मतलब इसकी लुक आप देख सकते हो कितनी बल्की हो गई है पीछे से, मतलब अब ये लगती नहीं है कि मतलब स्कूटी जब मेरे पास थी तो बहुत हल्की सी लगती थी, टायर की वजह से मेरे को बहुत पतली सी मतलब ऐसा लगता था, बट जब से ये टायर इंस्टॉल किया एक बल्की सा लुक आ गया है। जैसे आपने देखा होगा, मैं किससे इसको कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं हार्ली डेविडसन से इसको कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि हार्ली डेविडसन का जो बैक का जो टायर होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो मतलब उसके जैसी लुक इसको मेरे को पीछे से ऐसी लगने लगी है। तो कहीं से भी आपको वीडियो रिस्पॉन्सिव लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैं इस स्कूटी में और क्या क्या चीज़ करके दिखाऊं आपको। और वैसे मैंने इसमें लाइट्स इंस्टॉल की थी जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो जल्दी सॉल्व करूंगा और फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा उसके रिस्पॉन्स के साथ, क्योंकि उस लाइट्स को इंस्टॉल करे हुए हो चुका है 2 months।
और 2 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अच्छे से मेरे को उसका रिस्पॉन्स पता लग चुका है। कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई है या किसी स्विच में प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो लाइट्स अब चल नहीं रही है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं उसकी वीडियो जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ अच्छी लग रही है और आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए हिट, क्योंकि बेल आइकन को हिट करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आपको आती रहेगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी वीडियो ऐसी आती रहेगी अच्छी अच्छी, और ये वाली वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई जिसकी वजह से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, और अब वीडियोस आती रहेगी।